सुखालिया में, यहाँ पे माता वैष्णो देवी का भव्य स्थल है एवं बहुत अच्छी गुफा की नक्काशी की गई है। और यहाँ का आसपास का क्षेत्र ही बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है। और हमारे साथ हमारे समस्त समिति सदस्य हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हाथियों की नक्काशी। और हम माता जी के मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं भक्तों को यहाँ पर सभी माता जी का जयकारा लगाते हुए। पुनः एक गुफा आ रही है, आप देख रहे हैं क्या बढ़िया सौंदर्य है यहाँ पे। और हम गुफा में प्रवेश करते हुए और आप देख रहे हैं किस अत्यंत ही मनोरम गुफा बनाई गई है। हालांकि कृत्रिम गुफा है, प्राकृतिक गुफा नहीं है। यहाँ पे बनाया गया है, भक्तों का जत्था यहाँ पे है। ये हमारे महेश दादा, ये हमारे संजीव दादा, यहाँ पे हमारा विक्रम भाई, से हाय से हाय। और यहाँ पे सभी भक्तों का जत्था माता जी के दर्शन हेतु। ये हमारा सौरभ, ये हमारा अंकित। हालांकि ये जो गुफा है ये कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद ही आप माता जी का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। और हमारे सभी, ये हमारा सुमित, ये हमारे छोटू भाई, ये हमारे गोपाल भाई, और एक हमारे ये छोटू और सौरभ भाई अंडे वाले, ये हमारे ऋतिक भाई, ये हमारे। यहाँ से आप देख रहे हैं मंदिर का अत्यंत मनोरम दृश्य। और ये गुफा के जरिए इधर आते हुए और माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हमारे भैरवनाथ जी, और इसके बाद हम फिर से अग्रसर होते हुए हमारा जत्था, ये हमारे सुरेश भाई महाराज और सभी हमारे समिति के सदस्य पुनः कृत्रिम गुफा की ओर अग्रसर होते हुए। आप देख सकते हैं मंदिर का कृत्रिम सौंदर्य जो कि अत्यंत मनभावन है। पुनः माता जी का मंदिर की गुम्बद के दर्शन, खेत खलिहान के सौंदर्य को जो कि अत्यंत मनभावन है। पुनः एक बार फिर अग्रसर चरण डाले और गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। हम कृत्रिम गुफा की गुफा के अंदर से हम पुनः बाहर की ओर निकाश करते हुए हमारे साथ हमारे आदरणीय भाई साहब महाराज उपस्थित हैं, हमारे जीतू पटेल उपस्थित हैं। पुनः हम क्या अद्भुत सौंदर्य बनाया हुआ है, समझ में नहीं आता कि कृत्रिम गुफा है कि प्राकृतिक गुफा है।
यहाँ पे आप देखेंगे भक्तगण अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही है, उनके द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं और यहाँ पुनः निकास करते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ से हम प्रवेश हुए थे वहीं से निकास कर रहे हैं। और अत्यंत सौंदर्यपूर्ण हमारे राहुल उर्फ तम्मू भाई, यहाँ से हम जाते हुए और एक बड़ा ही अच्छा मन भावन और सौंदर्यपूर्ण गार्डन बना हुआ है यहाँ पे। आप सब देख रहे हैं श्रद्धालु बंधु, और एक भक्तों से निवेदन किया गया है यहाँ पे, मैं आपका घर गंदा नहीं करती हूँ, आप मेरा घर गंदा क्यों करते हो। बहुत अच्छी बात है, इसका हमें पूर्णतः अनुसरण करना चाहिए। जल की व्यवस्था की गई है जो कि नाव की मुद्रा में है,